सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में मनाया जा रहा हिंदी पखवाड़े का समापन किया गया। समापन अवसर के कार्यक्रम का शुभारंभ सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर आरसी सांखला ने मां सरस्वती को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उनके साथ विभाग के संयुक्त आयुक्त रुद्र प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त आरकी सिंह, सहायक आयुक्त मनोज कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर आर एस तिवारी, मधु भारद्वाज भी मौजूद रहे। सभी मौजूद रहते हुए दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण भी किया। ये आपका बहुत अच्छा एक सुझाव है। इनफैक्ट ये 2014 में ये कमिश्नरेट बना है और उसके बाद इसमें, क्योंकि पहले डिवीजन ऑफिस था जिले की भी थोड़ी सी परेशानी थी, तो हमारे पास 2014 के बाद में हमने प्रपोजल्स भेजे हैं तो काफ़ी फंड आया है 1.5 करोड़ सरकार, उसमें काफ़ी मेंटेनेंस अभी चल रही है। हम लोगों का एक इसमें एक प्लानिंग है कि हम एक ऐसा बड़ा बनाए हम उसको, और उसमें जैसा आपने सुझाव दिया है 15 मिनट का या आधे घंटे का मॉर्निंग में या इवनिंग में, ऐसा कोई डी स्ट्रेस करने का एक कार्यक्रम हो, चाहे वो छोटा सा योग कार्यक्रम हो या कोई मेडिटेशन का कार्यक्रम हो या वो प्राणायाम से रिलेटेड कार्यक्रम हो, तो ये बिल्कुल हम लोगों की प्लानिंग में है और ऊपर वाले तो हम इसको अति शीघ्र लागू करेंगे। कल हिंदी दिवस था और इसी उपलक्ष्य में हमारे कार्यालय में पूरा एक मनाया जा रहा था जो 1 सितंबर 2015 से 15 सितंबर 2015 तक है, और भारतवर्ष की राजभाषा नीति के अनुपालन में हर तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला करने का प्रावधान है, और उसी अनुक्रम में हम लोगों ने आज हिंदी की एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इस समापन अवसर पर कमिश्नर आरसी सांखला, संयुक्त आयुक्त रुद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर आर एस तिवारी, मधु भारद्वाज ने लोगों को हिंदी के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। अब श्री रुद्र प्रताप सिंह जी के हाथों में जब से ये बागडोर राजभाषा आई है तब से समय समय पर कार्यशालाएं, बैठकें और खास बात रचनात्मक उपक्रम, ई मैगजीन भी इन्होंने एक साल में दो दो निकाल दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मैंने इनके व्याख्यानों में हिस्सा लिया, समूचे विभाग के सारे कार्मिक अधिकारियों सहित विद्यार्थी बन जाते हैं, और जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, चर्चा होती है, उसमें बड़ी सक्रियता से भाग लेते हैं। इससे पता लगता है कि राजभाषा के प्रति इनकी निष्ठा बलवती है और ये संविधान के उस प्रावधान के प्रति कृत संकल्प है। मैंने यहाँ पर इनको बताया कि किस प्रकार से कार्य करते हुए जो आप अच्छा कार्य करते हैं तो आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, तिमाही रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट भरने के बारे में, निरीक्षण के बारे में और कार्य के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में जो साहित्यिक पत्रिका ये लोग निकालते हैं। आज ई पत्रिका का विमोचन भी हुआ है यहाँ पर, और साहित्य आप जानते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, इसी प्रकार के से राजभाषा का ये रिकॉर्ड बन जाता है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में ये राजभाषा का रिकॉर्ड है कि आपने राजभाषा के क्षेत्र में इतना कार्य किया जो कि अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कार्य राजभाषा विभाग के द्वारा मोरी जो है मान्यता प्रदान की जाती है। इस समापन अवसर पर विभाग की पुस्तक ताज मंजरी का भी विमोचन किया गया। ये इस पुस्तक का तृतीय अंक है। हिंदी पखवाड़े के समापन के बाद सभी ने ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में ही करने का संकल्प लिया। विनोद जूनियर, सी न्यूज, आगरा।